नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। कौशाम्बी से ईश्वर, 3 साहू की रिपोर्ट। पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 4 लोगों की मौत। सूचना पर एसपी ईडी मौके पर पहुंचे। कौशाम्बी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में रिहायशी इलाके से दूर चल रही है पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिसके चलते 4 लोगों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, भारी पुलिस बल और दमकल की गाड़ियों के साथ मौजूद। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका। इसका मोहल्ला है यहाँ पे शराफत अली के पटाखे के फैक्ट्री में विस्फोट की सूचना 11:50 दोपहर को प्राप्त हुई है। इसमें ये सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर आ गई और साथ में लगभग 5 बायटेंडर्स यहाँ पहुँच गए और लगभग 10 एम्बुलेंस पहुँच गए। अब तक जो दुखद घटना के में 4 लोगों की मरने की सूचना मिली है, 8 लोगों की घायलों की सूचना मिली है, जिन्हें तत्काल जो निकटतस्थ अस्पताल है वहाँ पहुँचा दिए गए हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन के सभी रिप्रेजेंटेटिव और हमारे साथ जो है आईजी रेंज प्रयागराज, एसपी कौशाम्बी, सभी लोग मौजूद हैं और फायर सर्विसेज की 5 गाड़ियां और 10 एम्बुलेंस जो है लगातार आग बुझाने की कोशिश करी है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इस एरिया में ना जाएं, क्योंकि वहां पे केमिकल फैक्ट्री है, पटाखे की फैक्ट्री है, इसलिए अभी भी फायर के जितने लोग हैं इसके प्रोसेस है। कारण का के लिए जो है जांच समिति हम लोगों ने बनाया है, जो एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब दोनों देख रहे हैं। हम सब लोग मौके पे हैं, जब पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा तभी आप लोग अंदर जाएं। सर, पटाखा फैक्ट्री अवैध है कि अवैध थी? पटाखा फैक्ट्री के पास अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुआ है कि इस पर लाइसेंस था और नवंबर के महीने में यहाँ एसडीएम साहब और सीओ दोनों ने आके इसका इंस्पेक्शन भी किया। क्या जिला अस्पताल में भी कुछ कैजुअल्टी हुई है, पता चल रही है? अब तक जो कैजुअल्टी की संख्या है वो 4 है, घायलों की संख्या 8 बताई गई है। अभी हम लोग जिला अस्पताल इसके बाद जाएंगे तो एग्जैक्ट फिगर आपको बताया जाएगा। सर, यहाँ पे 2 दर्जन लोग काम कर रहे थे, जिसमें से भी यहाँ पे जो काम करने की जो संख्या जो हम लोग बताया गया है उसमें 18 लोग थे, उसमें बाकी लोग सुरक्षित हैं ऐसा बताया गया। अब तक जो है 8 लोग को घायलों की सूचना है, 4 लोग के मृतकों की संख्या है, बाकी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इस पर अभी कार्रवाई चल रही है। हमारी सीएफओ की टीम पूरी अंदर है। 2 तरह के इस पर फायर बुझाया जा रहा है, एक केमिकल फायर है, उसके लिए केमिकल एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जा रहे हैं और बाकी सब के लिए जो है वाटर से बुझाया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि स्थान साहब लोग, ग्रामीणों का कहना है कुछ लोग अभी भी गायब हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसे लोग बता रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, लेकिन फायर का ऐसा नेचर है और केमिकल ऐसा है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कितनी टीम लगाई गई है? तो अभी तक से हमारे पास 5 फायर टेंडर्स की टीम आ गई है, जिसमें 2 स्पेसिफिकली जो है केमिकल फायर को बुझाने के लिए केमिकल रसायन का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं। सीएफओ आरके पांडे स्वयं यहाँ पे मौजूद। ओके,